हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आप सबके सामने आया हूं। हम सभी अभी देख रहे होंगे कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हमको सुनने को मिलती है कि ये बोर्ड जो है वो वैलिड है, ये बोर्ड वैलिड नहीं है, ये बोर्ड तो आगे पढ़ाई में मेरे चल ही नहीं रहा, मुझे परेशानी आ रही है, ये बोर्ड हर जगह चल जाता है। तो ये सब चीज़ों हम सोचते हैं कि यार ये बोर्ड कब से अप्रूव्ड है, ये बोर्ड कब से अप्रूव्ड नहीं है, ये क्या चीज़ है। कोपसी का मतलब COBSE, काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये कोपसे होता है। जहां पर क्या होता है, ये एक वैलिड बोर्ड का ग्रुप्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड है वो सब इसके अंदर होते हैं। नॉर्मली हम लोग ये मानते या हमने देखा है कि जिस बोर्ड का नाम कोपसे लिस्ट के अंदर है वो वैलिड बोर्ड माना जाता है, वो बोर्ड हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर चलता है और हर जगह वैलिड माना जाता है, क्योंकि कोपसे के अंदर सिर्फ वो ही बोर्ड आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूव्ड होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, और साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो ओपन बोर्ड्स होते हैं वो सब आते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो ऑटोनोमस बोर्ड अभी मार्केट में चल रहे हैं, जिनसे बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट के अंदर 10th 12th तो कर लेते हैं, आगे कितनी बार कॉलेज में एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम आती है जब आगे कहीं बहुत जगह वो अटक जाते हैं। तो वहां पर ये जो कोपसे लिस्टेड बोर्ड की रूप में जो लिस्ट है ना वो देखी जाती है। तो कोपसे क्या है, जो गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट के थ्रू एक एस्टेब्लिश एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड जो बोर्ड से उसका ग्रुप बना हुआ है। तो हर जो बोर्ड बनता है जो चाहता है मैं अपने आप को वैलिड बनाऊं या हर जगह मेरे को चले, तो वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं कोपसे का अप्रूवल लेके आऊं, जहां पर सभी बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है कि बिल्कुल आप आपके यहां से अगर कोई कोई बच्चा पढ़ा रहा हो तो हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो कोपसे है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा हमें ही बच्चों ध्यान रखना, जब भी हम लोग एडमिशन लेते हैं कहीं पर तो हमें कोपसे की लिस्ट, वैसे तो AIU की लिस्ट भी होती है, इवन कोई भी गवर्नमेंट बोर्ड होता है उसका उसी स्टेट के सरकारी गजट में उसका नाम होना चाहिए, ये सब चीजें भी हैं। लेकिन साथ साथ में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कोपसे अप्रूव्ड, कि कोपसे जो लिस्ट है, क्योंकि अभी आज की तारीख में लगभग 67 to 70 ऐसे गवर्नमेंट बोर्ड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ओपन बोर्ड है जिनकी लिस्ट है, जिसको हम लोग वैलिड बोर्ड की लिस्ट बोलते हैं। वहां पर अगर जिस बोर्ड से आप कर रहे हो उसका उस लिस्ट के अंदर नाम है, मतलब आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इवन वहां पर फेक बोर्ड की लिस्ट भी दे रखी है, जहां पर ऑटोनोमस बोर्ड की लिस्ट भी दे रखी है, जो आगे जाके आपको दिक्कत आएगी और आगे जाके आपको कहीं पर भी यूज में वो मार्कशीट नहीं आती है। तो हमें ये कोपसे अप्रूवल देखना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि ये जो मैं कोपसे का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो आगे आप भी कहीं अगर 10th 12th कर रहे हैं या फिर आप किसी को सजेस्ट करने वाले हैं किसी बोर्ड से 10th 12th करने के लिए, तो कोपसे की लिस्ट को या कोपसे अप्रूव्ड बोर्ड की लिस्ट को आप जरूर देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो इसको आप इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और मैक्सिमम अपने मिलने वालों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये पता चल जाए कि कोपसे हमारे लिए, हमारे एजुकेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल DKJ कंसल्टेंसी उदयपुर को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नए नए इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लेके आऊं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दैट, थैंक यू सो मच। आपका अपना विनाश।